बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, फाइव क्लास। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट, एक्सरसाइज है 4C। क्वेश्चन नंबर एट में जो स्टेटमेंट है वो ये है, कितने राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। कितने नीचे जो दी गई परसेंटेज हैं इन्हें आप फ्रैक्शन में चेंज करें, रिड्यूसिंग इट टू इट्स लोएस्ट टर्म, और फिर क्या करें उसे लोएस्ट टर्म में जो है उसे इस तरह से उसमें कमी लेके उसकी लोएस्ट टर्म जो है वो आप राइट करें। वेयर पॉसिबल जहाँ तक आप कर सकते हैं उसे लोएस्ट टर्म होता है उसे कट करते जाएं, उसे और सिंप्लीफाई करें और छोटी फॉर्म में लेके आएं जहाँ तक आप उसे लेके आ सकते हैं जी। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए इसका बी ऑप्शन ले रही हूँ, 45% जी। 45% जो है इसमें देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इसे किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। उन्होंने कहा है राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में बच्चे से राइट करने का तरीका ये है कि 45 जो है इसे आप 45 रहने दें यहाँ पे, लेकिन ओवर जो परसेंट है, परसेंट क्या होता है बच्चे, हम 100 को जो है वो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बच्चे 100 जो है तो हम इस परसेंट के हिस्से का जो है हम क्या राइट कर देंगे, 100। ओके, अब इसके बाद हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इसे रिड्यूस करें, इसकी लोएस्ट टर्म में लेके आए इसे, तो हम इसे मज़ीद जो है वो रिड्यूस करेंगे, इसकी लोएस्ट टर्म में लेके आएंगे। तो देखिए इसकी लोएस्ट टर्म क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा इजी है जी। जैसे कि है यहाँ पे 45 है, और 45 को हम देखें 9, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, और 7 0 जी बच्चे। जैसे कि इसकी उसके बाद जो है ये 9 है और ये 20 है, अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इन दोनों को जो है वो कट करें या डिवाइड करें, तो हम नेक्स्ट जो है इसका आंसर बता सकते हैं कि ये क्या है, इसका आंसर 9/20 जी। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है एक और ऑप्शन जो है इसका वो मैं समझा देती हूँ जी। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 100, एफ जो है इसका एफ पॉन जी, उसमें है 100% जी। 100% को देखो आपने कैसे करना बच्चे, 100 100 ही राइट करेंगे, ओवर परसेंट के हिस्से का हम क्या राइट कर देंगे यहाँ पे 100। अब ये देखिए 100 है, 100 डिवाइड बाय 100 जब 100 के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, कट होगा, तो क्या आंसर इसका आ जाएगा 1। तो हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे 1। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो अब डायरी देखें, फाइव क्लास डायरी है, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर CDE, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर CDE जो है, ये 3 पार्ट आपने होमवर्क करने हैं, एक्सरसाइज है 4C। तो फाइव क्लास आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।